दिल्ली के आसमान में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। बिगड़ते हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने सभी विभागों से ग्राप कोर के नियम सख्ती से लागू करने को कहा। साथ ही सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया। अब MCD के दफ्तर में सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक, दिल्ली सरकार के दफ्तरों में सुबह 10 बजे से शाम को 6:30 बजे तक काम होगा। यह आदेश 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एंटी स्मॉग मिस्ट अभियान का निरीक्षण किया। दावा है कि इस अभियान से प्रदूषण में 20-26% तक की कमी आएगी। जो अभी तक 3-4 दिनों में जो टेस्टिंग हुई है, जो मुझे बताया गया कि करीब 20-26% पोल्यूशन यहाँ पर कम हुआ है। अब हम इसको जो है 4 जगह और रेप्लिकेट करने वाले हैं। बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। पत्र में प्रदूषण को कंट्रोल करने के साथ ही राज्यों को हेल्थ नेटवर्क को मजबूत करने को कहा गया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.